फेरोमोन ट्रैप के अलावा तो स्टिकी प्लेट जगह पे हम लोग बांधते हैं, उस कीट का इसमें सुगंध निकलता है जिससे मादा कीट इसमें आकर्षित होकर जय जवाहर संगवारी हो। नमस्कार, मेरा नाम रमेश सिंह है और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में फेरोमोन ट्रैप क्या होता है उसका संपूर्ण आपको जानकारी मिलेगा। और जो भी मेरे चैनल को विजिट करते हैं, वॉच करते हैं, अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का इस वीडियो बहुत खास रहेगा, आपके लिए स्पेशल रहेगा, क्योंकि इसमें बेहतर से बेहतर जानकारी मिल पाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, चलिए शुरुआत करते हैं। कि दोस्तों अभी मेरे हाथ में आपको दिख रहा है ये फेरोमोन ट्रैप है। ये ऊपर का जो पट्टी है ये अलग हो जाता है और ये जो हिस्सा है इसी में कीट इसमें ट्रैप होता है। और इसमें एक ही कीट नहीं, इसमें बहुत प्रकार से कीट आप लोगों ने देखे हैं। और इसको फेरोमोन ट्रैप को आप जैसे पर्टिकुलर फसल के ऊपर भी ले सकते हैं, सब्जी के ऊपर भी, मक्का के ऊपर भी, बैंगन के ऊपर, टमाटर के ऊपर, करेला के ऊपर, इस तरह से एक एकड़ में सफिशियंट 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप कवर कर लेगा। और इसका कॉस्ट ज़्यादा ही नहीं रहता है दोस्तों, एक बार इसका कॉस्ट लगा लें। और इसमें लिक्विड लगता है, लिक्विड कुछ इस तरह से रहता है जो अलग अलग फसलों में आपको दिख रहा होगा। ये लिक्विड है जो एक फसल का है, इसका हम उपयोग बैंगन में कर सकते हैं। बैंगन में जिस तरह से कीट इसमें रहता है, और लिक्विड में एक रहता है, इसमें लिक्विड किस तरह से उपयोग करते हैं और लिक्विड में क्या सावधानी बरतनी रहता है उसको इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें फेरोमोन ट्रैप के अलावा, तो स्टिकी प्लेट होता है और इसके अलावा फ्लाई ट्रैप होता है, जो हमारे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है। आपको आई बटन पर शो हो रहा होगा, उसमें आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और किस तरह से स्टिकी प्लेट ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उसमें आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो दिख रहा है इसको हम बेम्बू से करीबन जो मतलब अपना जो फसल होता है उसको 1 फीट ऊपर अपने को इसको खड़ा करना है, स्टैंड करना है, इसको बांधना है। और इसका जो निचले हिस्सा को इस तरह से हम अच्छे तरीके से रबड़ या रस्सी से इसको बांध देंगे, ताकि जो भी कीट इसमें फंसेंगे वो नीचे ना गिर पाए। और लिक्विड इस जो बीच में दिख रहा है इस जगह पे हम लोग बांधते हैं। और लिक्विड जो होता है दोस्तों, लिक्विड ये इसमें उस कीट का, जिस भी कीट को अपना ट्रैप करना है उस कीट का इसमें सुगंध निकलता है जिससे मादा कीट इसमें आकर्षित होकर ऑलरेडी इसमें फंस जाता है। और जब हम लिक्विड को इसमें ट्रैप में जब फंसाते हैं तो उस समय हमें ध्यान देना चाहिए कि कोई भी रासायनिक स्प्रे करके अपना हाथ जैसे गंदा हो तो उस समय हमें लिक्विड को नहीं छोड़ना चाहिए। और जैसे गाँव देहात में जो बोलते हैं ना दोस्तों, तंबाकू या कोई भी रासायनिक या कोई भी हाथ गंदा है तो लिविर को डायरेक्ट नहीं छूना चाहिए, बढ़िया साफ सफाई करने के बाद ही लिविर को छूना चाहिए। इसको अच्छे तरीके से सावधानी से काट लें और इस तरह से, और मैं आपको एक तो दिखा रहा हूँ डेमो के लिए लिविर कैसे रहता है। लिविर कुछ इस तरह से रहता है, जो पर्टिकुलर हर फसल के लिए अलग अलग लिविर रहता है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा कि कौन सा है लिविर, किस किस पौधे के लिए कौन कौन सा लिविर रहता है। ये लिविड आपको ज़्यादा रेट में नहीं मिलेगा, बस आपको वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इसके लिए। और दोस्तों ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि फेरोमोन ट्रैप से आप जिस तरह से हम रासायनिक कीट बाजार से लाते हैं तो उससे हमारा शत्रु कीट भी नष्ट हो जाते हैं, और साथ साथ में हमारा जैसे भूमि उर्वरता पर भी प्रभाव पड़ता है, अपना सेहत पर भी प्रभाव पड़ता है। तो दोष करने के लिए सबसे बड़ी समस्या है जो कीटों को नियंत्रण किया कैसे किया जाए, जो रासायनिक खेती नहीं करते हैं उसके लिए बहुत बड़ा समस्या है, जिसका समाधान इस तरह से हम फेरोमोन ट्रैप हो गया, स्टिकी प्लेट हो गया, लाइट ट्रैप हो गया, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। और किसान भाइयों, फेरोमोन ट्रैप इस तरह से काम करता है जिस तरह से मधुमक्खी, आप लोग देखे होंगे मधुमक्खी का जो छाता झुंड रहता है, अगर मधुमक्खी किसी को काट लेता है तो उसके पीछे अपोजिट जेंडर वाले, उसको उसके पीछे अपोजिट जेंडर वाले, जिस तरह से जो मादा जो मधुमक्खी जो काट लेता है तो काटने के बाद अपना हार्मोन्स
इंजेक्ट कर देता है, तो जिससे उसको सुगंध के अपोजिट जेंडर वाले जो भी रहते हैं मधुमक्खी उसको काटने के लिए आते हैं। उसी तरह से फेरोमोन ट्रैप भी काम करता है। जो लिविर होता है इसमें भी हार्मोन्स इंजेक्ट किया रहता है उस पर्टिकुलर मधुमक्खी उस पर्टिकुलर कीट के लिए। तो ये इसमें हम इसका जो फेरोमोन ट्रैप होता है ये दो हिस्से में रखा है, ये गोल वाला जो इसमें आप दिख रहा है ये दो तीन इसमें यहाँ लिविर हम फंसा देते हैं। ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना तीन हिस्सा, इसके बीच के हिस्से पे हम लिविर फंसा देते हैं और इसमें ट्रैप हो जाता है और लास्ट हिस्से को हम मुंह को बांध देते हैं। तो इसी तरह से फेरोमोन ट्रैप भी काम करता है। इसका लिविर अलग अलग लिविर रहता है हर पर्टिकुलर अलग अलग फसल को लेके, जैसे टमाटर बैंगन भिंडी इस तरह से अलग अलग फसल को लेके। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका नाम बता दूंगा कि कौन सा लिविर किस फसल के लिए काम करेगा। जैसे अभी अपने पास ये बैंगन का लिविर है जो हम आपको डेमो के रूप में दिखा रहे हैं दोस्त, ये अपर वाला पार्ट है जिसमें हम लिविर फंसाएंगे। मेरे हाथ में अभी अमेरिकन कीट का एक लिविर है जिसको हम यहाँ बीच में आपको दिख रहा है यहाँ पर इनपुट करना है। और दोस्तों फेरोमोन ट्रैप एक एकड़ में सफिशेंट 3 से 4 रहता है। और अगर आप बात करें एक एकड़ में तो इसका दूरी अगर हम गाड़ेंगे तो 40 फीट रखेंगे ताकि सभी जगह कवर हो सके। और आपको कम से कम दिन में आपको विजिट भी करते रहना है अपना फेरोमोन ट्रैप को, कि कौन सा कीट उसमें आपका ट्रैप हो रहा है, कौन सा कीट उसमें ट्रैप हो रहा है। अगर जिस कीट के लिए हम उसमें लिविर लगाए हैं अगर वो लिविर उस कीट में नहीं आ रहा है तो आपको उस कीट के उस अनुसार अपना खेत में जो हम विजिट करेंगे उस अनुसार आपको देखते रहना चाहिए कि कौन सा ट्रैप हो रहा है। और उस कीट का अपोजिट अगर कीट उसमें ट्रैप हो रहा है तो हम दूसरा और लिविर भी लगा सकते हैं। तो आप पर्टिकुलर अपना जैसे धान का सुंडी है तो उसमें अगर लगाएंगे लिविर तो इस तरह से आपको मॉनिटरिंग भी करते रहना है कि कौन सा कीट इसमें ट्रैप हो रहा है। तो आज का वीडियो यही खास था आपके लिए, और आप कमेंट कीजिए कि आप किस विषय पर आप ये वीडियो चाहते हैं, आपको डिटेलिंग में आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आप इस फेरोमोन ट्रैप को अगर परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।